महाविद्यालय में एक हम लोगों के लिए भी बड़ा गौरव का विषय है कि लगभग 20 नए प्रोफेसर विज्ञापन 50 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर उनमें से 11 ने ज्वाइन कर लिया है और बाकी 9 ज्वाइन करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। कैंपस खबर के माध्यम से हम उन कॉलेजों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाते हैं कि कॉलेज में चल क्या रहा है, कॉलेज किस सन में बना था और वर्तमान में जो कॉलेज की स्थिति है उसके बारे में आज हम जानेंगे। मेरे साथ में BSA कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर ललित मोहन शर्मा साहब, इनसे जान लेते हैं कि कॉलेज कैंपस में क्या क्या सौंदर्यीकरण के कार्य चल रहे हैं। कॉलेज कैंपस के बारे में हम डीपली इनसे जानेंगे और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि ये बदलाव जो हैं वो क्या क्या हुए हैं, क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं कॉलेज में। अब पहले तो मैं कॉलेज के अतीत के ऊपर कुछ आपका सिंहावलोकन प्रस्तुत कर दूं। महाविद्यालय 1956 में स्थापित हुआ, दानवीर बाबू शिवनाथ जी द्वारा 32 एकड़ भूखंड महाविद्यालय को समर्पित किया गया। इसके साथ उस समय 1.5 लाख रुपए बाबू शिवनाथ जी के द्वारा महाविद्यालय के निर्माण के लिए दिए गए। महाविद्यालय का लगभग 14 एकड़ भूखंड में हमारे महाविद्यालय का इंजीनियरिंग फैकल्टी खुला। लगभग 2 एकड़ भूखंड में प्रेम देवी इंटर कॉलेज संचालित है, बाकी जो भूखंड है वो अभी महाविद्यालय उसमें संचालित है। 30 अक्टूबर 2021 से मेरी ज्वाइनिंग के उपरांत बहुत सारे कार्य करने का प्रयास किया, कुछ प्रयास चल रहा है। सर, जैसे कि लगातार नवीन जो बिल्डिंग है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम चल रहे हैं, उसमें क्या क्या काम जो हैं आपके आने के बाद शुरू हुए हैं। जिस समय मैंने ज्वाइन किया तो एक बड़ी समस्या जो दृष्टिगोचर हुई वह यह थी कि जहां कक्षाएं चलती हैं वहीं प्रशासनिक खंड था, तो जो भी आउटसाइडर्स आते थे, जो भी बाहरी तत्व आते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अवांछित थे या अवांछित, लेकिन क्वेरीज के लिए आ रहे हैं या एडमिशन के लिए या फीस के लिए, तो उसमें एक समस्या अनुशासन की आती थी। किन लोगों को हम डिस्क्रिमिनेट करें कि वो हमारा विद्यार्थी है, बाहर का विद्यार्थी है। दूसरी एक बड़ी समस्या थी कि महाविद्यालय को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा अन्य परीक्षाओं का नोडल केंद्र बनाया जाता है, तो जितने और महाविद्यालयों के परीक्षार्थी परीक्षा देने आते हैं वे भी उसी कैंपस में जाते थे। तो एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन ये किया गया है कि अकादमिक खंड और प्रशासनिक खंड की अलग व्यवस्था कर दी गई है। प्रशासनिक खंड में सभी एडमिशंस और उसी प्रशासनिक खंड में जो बाहर के विद्यार्थी हैं उनके परीक्षाओं की सारी व्यवस्था कर दी गई है। ज़िले के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवियों ने फर्नीचर की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। इसके अलावा ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं महाविद्यालय के वो सीज्ड हैं। बावजूद इसके एक अन्य मदों से सहायता लेके और कुछ एक चीज़ और यहाँ उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण होगा, हमारे मथुरा वृंदावन नगर निगम के जो नगर आयुक्त साहब हैं अनुय झा जी, उन्होंने एक अभिभावक के रूप में महाविद्यालय की बहुत सेवा की है, मदद की है, उनके लिए महाविद्यालय परिवार हमेशा कृतज्ञ रहेगा। तो ये सारे कार्य महाविद्यालय के द्वारा किए गए हैं। और दूसरा एक समस्या थी कि जो हमारा गेट है इससे बारिश के समय में पानी भरता था और वो पानी 7-8-10 दिन जो है वो यहाँ सड़ता रहता था, बदबू आती थी, तो वो गेट को ऊंचा करवा दिया गया है। खेलों की बहुत अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है, मैदान को ठीक किया कराया गया है। माननीय श्रीकांत शर्मा जी जो हमारे माननीय विधायक हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा के, उनके द्वारा 5 बैडमिंटन कोर्ट बनकर तैयार हो गए हैं,
और आगामी एक या दो सप्ताह में उनका महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए लोकार्पण भी होगा। तो ये सब कार्य अब तक महाविद्यालय में हो चुके हैं। अनुशासन के लिए बाहरी तत्वों का जो जमावड़ा रहता था, यहाँ कुछ लिकर्स की लोग अवांछित व्यवस्थाएं करते थे, वो सब लगभग बंद हो गई हैं। तो आगे जो इस सत्र में फोकस है वो दो चीज़ों पर मुख्य रहेगा। पिछले वर्ष हमने कैंपस इंटरव्यू महाविद्यालय में शुरू किए थे और 61 विद्यार्थी हमारे विभिन्न प्राइवेट एजेंसीज में, विभिन्न कंपनीज में सिलेक्ट हुए थे। तो अब की बार हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को यहाँ से रोज़गार दिया जाए, और दूसरा एक उनके व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ करने की योजना है, और एक प्रयास ये करेंगे कि एक साप्ताहिक असेंबली प्रोग्राम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और उनके बीच संप्रेषण क्षमता को विकसित करने का करेंगे। तीसरा, खेलों को एक अच्छा मौका देने का प्रयास इस सत्र में हमारे द्वारा किया जाएगा। तो ये आगे की योजनाएं हैं और उन पर निरंतर महाविद्यालय के सभी कर्मचारियों का, सभी शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अभी पिछले 7-8 दिन से एक विचार चल रहा था कि महाविद्यालय में, बल्कि आगरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय में एक स्विमिंग पूल नहीं है। आगरा भी एक दिन ये चर्चा चल रही थी कि हमारे जो तैराकी के छात्र हैं उनको अवसर नहीं मिलता है, वो बाहरी जो तरणताल हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, उन पर निर्भर करते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज से सहयोग लेकर, कुछ खुद आगे बढ़कर, कुछ हमारे शिक्षक साथियों के सहयोग से महाविद्यालय में यह व्यवस्था भी कराएं। चलते चलते सर से ये भी जान लेते हैं कि जिस तरह से अब कॉलेज की व्यवस्थाएं लगातार सुधर रही हैं और लगातार जो छात्र हैं वो BSA कॉलेज की तरफ एडमिशन लेने के लिए अपना रुझान दिखा रहे हैं, क्योंकि इंटर का रिजल्ट आ चुका है और CBSE का भी आ चुका है, तो एक जो श्रृंखला है छात्रों की वो लगातार यहाँ बढ़ रही है, संख्या भी बढ़ रही है। तो मैं जान लेता हूँ कि कॉलेज में कितनी फैकल्टीज हैं और उनके जो HOD हैं वो कौन हैं, अगर किसी छात्र को अगर यहाँ आकर एडमिशन लेने के बाद में कोई दिक्कत ना हो वो कैसे उसको फेस करेगा। दूसरा, विगत वर्षों में जैसे हमारे पास ट्यूटर्स की व्यवस्था होती थी, इसको अब की बार सुचारू करने का प्रयास करेंगे। तो लगभग हमारे पास 125 के करीब शिक्षक रहेंगे, और हमारे जो महाविद्यालय को हमने 6 संकायों में विभाजित किया है। विज्ञान संकाय है, उसमें मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी और स्टैटिस्टिक्स ये विषय हैं। कला संकाय के अंतर्गत ग्रुप विभाजित हैं, लेकिन मुख्य विषय जो हैं उसमें हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और संस्कृत हैं। इसी प्रकार हमारी जो वोकेशनल स्टडीज का संकाय है उसमें BBA, BECOM, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, BLib और ये सब हैं। सर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म को इस वर्ष हम बहुत अच्छे ढंग से संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सेमिनार्स कराए जाएंगे, बड़े पत्रकारों का के यहाँ जो हैं कॉन्फ्रेंसेज की कराएंगे, उनके गेस्ट लेक्चर्स कराएंगे और उनके पत्रकारिता के लिए उनके ट्यूर्स कराएंगे, उस पर हमारा बहुत एम्फेसिस रहेगा पत्रकारिता के लिए। इसके अलावा शिक्षा संकाय के अंतर्गत BEd, MEd है, विधि संकाय के अंतर्गत BA, LLB है और LLB है, और इस वर्ष हम LLM के लिए प्रयासरत हैं, जनपद में पहला LLM को लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक BBA LLB एक कंपोजिट कोर्स है, उसको भी लाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो ये एकेडमिक कुछ प्रयास हैं जो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। नए एडमिशन लेते हैं उनको जो है अपना डिपार्टमेंट अपना जो कक्षाएं हैं उनको बहुत दिक्कतें होती हैं उनको पता करने में, तो उसके लिए क्या ऐसा किया जाएगा कि छात्रों को चाहे वो बीए का हो या बीएससी का हो या बॉटनी का हो या केमिस्ट्री का हो उसके लिए उनके लिए क्या ऐसा किया जाएगा जो छात्रों को इस तरह से परेशान ना होना पड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एकेडमिक विंग को एकेडमिक खंड को अलग कर दिया है और जो एकेडमिक हमारा एकेडमिक खंड का गेट है वो एक निश्चित समय पर बंद कर दिया जाएगा। दूसरा एक व्यवस्था है कि अब की बार जो आई कार्ड है और छहों संकायों के जो यूनिफॉर्म है वो अलग कर दिए हैं, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा एकेडमिक खंड में केवल जिसके पास आई कार्ड है वही प्रवेश करेगा और उसकी जो कक्षाओं का जो अवधि है उसके उपरांत ही विद्यार्थी बाहर निकलेगा। एंड्रॉयड फ़ोन को हमने अब की बार बंद कर दिया है, कीपैड वाला फ़ोन विद्यार्थी अपने साथ ले जा सकता है। अगर एंड्रॉयड फ़ोन लाता है तो उसको यहाँ महाविद्यालय का क्लॉक रूम में जमा कराएगा, और क्योंकि ये अनुशासन की दृष्टि से कुछ शिकायतें पिछले वर्षों में मैंने खुद अनुभव की जब मैं घूमता था महाविद्यालय में, तो कहीं फ़ोटोग्राफी मुझे होती मिलती थी या कहीं शिक्षकों की शिकायतें आती थी कि विद्यार्थी व्हाट्सएप क्लास में व्हाट्सएप चैट कर रहे होते हैं, तो ये सबको हमने रोक दिया है। कोशिश ये रहेगी कि हमारी कोई भी क्लास अब की बार खाली नहीं जाएगी, विद्यार्थी को ये समय ये कहने की शिकायत नहीं मिलेगी कि हमारी ये क्लास खाली है। अगर कोई शिक्षक हमारा किन्हीं और कार्य में व्यस्त है या उसको छुट्टी पर है तो उसकी हम पहले से ही व्यवस्था करके चलेंगे। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में बीएसए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा साहब। इन्होंने बताया कि व्यवस्थाएं किस तरह से दुरुस्त की जा रही हैं और इस बार जो नया होने वाला है वो क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताएं। अगर आप किसी कॉलेज की नई अपडेट चाहते हैं या कुछ उस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कैंपस खबर को सब्सक्राइब कर और लगातार उस पर मैसेजिंग कर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको कोशिश रहेगी कि 24 घंटे के बाद उसका आपको जवाब जाए सटीक दे दिया जाए ताकि आपको कोई अन्य जानकारी लेने में दिक्कतें ना हों। निर्मल राजपूत, मथुरा।